नमस्कार शिक्षक साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षक पर्व के अंतर्गत बिहार में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा से संबंधित क्विज आयोजित किया जा रहा है इसके बारे में जो कि कक्षा एक से लेकर के बारह तक के सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को इस क्विज में भाग लेना अनिवार्य है इस क्विज में हम जो भाग ले सकते हैं वो एक गूगल फॉर्म लिंक के जरिए कर सकते हैं उस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आप वहाँ से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम भर सकते हैं और कैसे इस में भाग लिख सकते हैं सबसे पहले हमें इस लिंक को ओपन करना है इसके बाद प्रतिभागी का नाम जो लिखा हुआ आ रहा है उसके ठीक योर आंसर के सामने आप अपना नाम उसमें टाइप कर देंगे नाम टाइप करने के बाद नीचे जाएंगे तो पदनाम का ऑप्शन आ रहा है इसमें प्रधान शिक्षक सहायक शिक्षक शिक्षक एवं अन्य का ऑप्शन आ रहा है, है। जहाँ पे हम अगर शिक्षक है तो शिक्षक में अगर प्रधान शिक्षक है तो फिर प्रधान शिक्षक में उसका सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद ज़िले का ऑप्शन आ रहा है उसमें जा करके हम अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद देखिए आपको दस क्वेश्चन खुल के आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग तो उसको उसको हमें करना है और फिर दूसरा क्वेश्चन है शिक्षक पर्व माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है तो उसमें सही जवाब है विद्या अमृत महोत्सव तो उसे हमको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इस पर्व के अंतर्गत शिक्षकों के किस कार्य को सराहा जाएगा तो उसमें सही ऑप्शन है नवाचारी शिक्षा शास्त्र तो हमें उसको सेलेक्ट कर लेना है फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है इस कार्यक्रम में कौन से शिक्षक भाग ले सकते हैं तो इसमें सही जवाब है जो चारों विकल्प में है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मध्य विद्यालय के शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक इसलिए हमें सभी को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवाचारी शिक्षा शास्त्र के फायदे तो उसमें सही जवाब है बच्चों के अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति सुनिश्चित होगी तो उसको तो तो सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षक पर्व के अंतर्गत कौन सी गतिविधियाँ की जा रही है जिसमें सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी सही है तो इसलिए मुझे इसलिए हमें सभी में टिक लगा देना है उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र का दस्तावेजीकरण किस प्रकार किया जाएगा तो इसमें वीडियो के माध्यम से दीक्षा ऐप के माध्यम से आलेख के माध्यम से या उपरोक्त सभी तो इसमें तीनों ऑप्शन है तो इसलिए उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण पर कितने शब्दों का आलेख तैयार करना है सही जवाब पाँचों शब्दों का है इसीलिए पाँचों शब्दों पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है तकनीकी अनुसमर्थन समूह का गठन किन किन स्तरों पर किया गया है तो सही जवाब है प्रखंड एवं जिला तो प्रखंड एवं जिला को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्या अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जा रहे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र की अंतिम तिथि क्या है सही जवाब है पंद्रह नवंबर दो हज़ार बाईस तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट कर देना है देखिए यहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे हमें हम क्लिक करना है व्यू स्कोर वाले ऑप्शन पे। और जो भी जो व्यू स्कोर वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको देख यहाँ पे दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट जो है सौ में से सौ में है और मेरा सभी क्वेश्चन सही जवाब दिया गया है इसलिए वहाँ पर सभी में ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आ रहा है वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा